तन्मय भट्ट का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे मन में एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा उभरता है जिन्होंने अपनी कॉमेडी से पूरे हिंदुस्तान को अपना दीवाना बना रखा है। उन्हें पसंद करने वाले लोगों में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। तन्मय को आप एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर जानते होंगे, लेकिन कॉमेडी से पहले उन्होंने एडवर्टाइजिंग जर्नलिज्म, टीवी राइटिंग, रेडियो जॉकी, फिल्म राइटर और प्रोड्यूसर और एक स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर काम किया हुआ है। एक राइटर के तौर पर तन्मय ने 18 वर्ष की उम्र में पहली बार मुंबई मिरर के लिए लिखा था। उसके बाद आज तक उन्होंने 15 से ज्यादा टीवी शोज के लिए लिखा हुआ है, जिनमें एमटीवी चैनल और चैनल वी के शोज के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा लिखा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तन्मय बहुत बड़े अवार्ड फंक्शंस जैसे कि द फिल्म फेयर के लिए भी लिख चुके हैं और लिखने के साथ साथ उन शोज में वह परफॉर्म भी कर चुके हैं। तन्मय भट्ट को कुछ फिल्मों में एक्टिंग करने का भी मौका मिला। रागिनी एमएमएस और मिस्टर एक्स कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें तन्मय भट्ट ने एक कैमियो करा और फिल्मों में काम करते हुए नजर आए, और इन फिल्मों में तन्मय के किरदार को लोगों ने काफी पसंद भी किया। तन्मय और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर यूट्यूब पर एक चैनल बनाया जिसका नाम रखा गया AIB। AIB इंडिया के यूथ के बीच काफी फेमस है। तन्मय के चैनल की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उनके चैनल के पास 36 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हैं। तन्मय के अचीवमेंट्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सोहो लंदन में स्थित एक कॉमेडी क्लब में परफॉर्म करने वाले एक कॉमेडी इवेंट में तन्मय मेन 4 कॉमेडियंस में से एक अकेले भारतीय थे। इसके अलावा उन्होंने यूके में हो रहे एक बहुत बड़े कॉमिक इवेंट में परफॉर्म करा, जो कि हमारे देश की कॉमेडी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा अगर हम तन्मय भट्ट की जिंदगी के हाल ही के कुछ फैसलों की बात करें तो वह अभी गेमिंग इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमा रहे हैं, और जिस तरह का रिस्पॉन्स ऑडियंस से उन्हें मिल रहा है वह इस बात का पक्का सबूत है कि तन्मय भट्ट एंटरटेनमेंट की चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, वह हमेशा लोगों के चहेते बने रहेंगे। इस वीडियो में हम तन्मय भट्ट की जिंदगी की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने कड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए सफलता हासिल करी। तन्मय भट्ट का जन्म 23 जून 1987 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। जंक फूड के शौकीन तन्मय बचपन से ही बहुत मोटे थे। उनके शरीर का वजन दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा था। उनके परिवार के सभी लोग उनके बढ़ते वजन से काफी परेशान थे, और होते भी क्यों नहीं, एक ऐसा परिवार जिनमें उनके चाचा और चाची दोनों डॉक्टर्स, माँ बैंक में ऑफिसर और पिताजी HR कंसल्टेंट हो। उन्हें पता था कि वजन के बढ़ने से शरीर में काफी दिक्कतें आती हैं। इन्हीं कारणों से एक दिन जब वो 8वीं क्लास में थे, तन्मय के पिता ने तन्मय को एक साइकिल गिफ्ट करी और उन्हें मोटिवेट करा कि वे 6 महीने के अंदर अपने शरीर से कम 5 किलो वजन घटा के दिखाएं। उनके पिता और परिवार का मोटिवेशन ही मात्र एक ऐसा कारण बना जिसके चलते तन्मय ने न सिर्फ अपना वजन घटाया बल्कि अपने पढ़ाई में भी अच्छा करके दिखाया। तन्मय ने अपनी स्कूलिंग न केवल पूरी करी बल्कि 90% लाकर अपने स्कूल के टॉपर भी बने। परिवार वालों ने उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने की सलाह दी, इसीलिए उन्होंने बायोलॉजी लेकर आगे की पढ़ाई करनी शुरू कर दी। पर इस सब के बीच उनके अंदर का कॉमेडियन कहीं ना कहीं बड़ा हो रहा था। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें ये एहसास हुआ कि वे बेहतर कॉमेडियन बन सकते हैं। जब उन्होंने ये बात अपने परिवार से करी कि वो एक कॉमेडियन बनना चाहते हैं, तो उनके परिवार वालों ने मना कर दिया। पर कुछ समय के बाद तन्मय ने आखिरकार अपने माता पिता को मना ही लिया। फिर तन्मय ने अपने आगे की पढ़ाई बैचलर्स इन मास मीडिया से पूरी करी, जिसमें उन्हें लगभग 60% मार्क्स स्कोर करे। अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लीजिए, फिर आपको कोई हरा नहीं सकता। ये शब्द तन्मय भट्ट पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। बहुत मोटे होने के कारण अक्सर लोग उन्हें शर्मिंदा किया करते थे, लेकिन कॉमेडी उनका पैशन होने के कारण वे खुद पे ही जोक्स किया करते और लोगों को हंसाया करते थे। एक बार जब तन्मय 7वीं क्लास में थे तो उनके अपार्टमेंट में एक प्रोग्राम था जहां उन्हें 5 मिनट के लिए कुछ परफॉर्म करना था। तो उन्होंने स्टेज पर जाकर कहा कि मैं डांस और कार्ट व्हील्स तो नहीं कर सकता, लेकिन आप सबको हंसा जरूर सकता हूँ। फिर क्या था, तन्मय जोक पे जोक सुनाते रहे और 5 मिनट का समय कब 20 मिनट में बदल गया पता ही नहीं चला। वर्ष 2009 में तन्मय ने पहली बार स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में एक लोकल शो जिसे वीरदास चला रहे थे उसमें परफॉर्म करा। उसके बाद तो तन्मय ने बहुत दिग्गज कॉर्पोरेट कंपनीज जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, BBC, ब्रिटिश एयरवेज, वोडाफोन, ट्राइबल फ्यूजन
और ऑडी के लिए भी परफॉर्म किया है। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि तन्मय एक स्टैंड अप कॉमेडियन होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे राइटर भी हैं। उन्होंने पहली बार मुंबई मिरर के लिए लिखा था, वो भी तब जब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी। उसके बाद तन्मय जब 25 वर्ष के हुए तब तक वे 15 टीवी शोज के लिए लिख चुके थे। तन्मय अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि लोग उनके लेखन और कॉमेडी को पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उनके यूट्यूब करियर की। एक दिन तन्मय के दोस्त गुरसिमरन खंबा को एक यूट्यूब चैनल बनाने का आइडिया आया, जिसे उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को बताया और सभी को यह आइडिया बहुत पसंद आया। लेकिन नाम को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि नाम रखा गया था AIB। इसी कारण उन्होंने नाम को बदलने का भी विचार करा, पर जब लोगों की तरफ से नाम को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उन्होंने नाम को वही रहने दिया। शुरुआती दौर में तन्मय ने बहुत सारे कॉन्टेंट खुद लिखे। आज उनकी और उनकी AIB टीम की मेहनत ही है कि उनके चैनल के पास 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 360 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। आज AIB एक कंपनी के रूप में काम कर रही है और इसमें काम करने वालों की संख्या 40 से भी ज्यादा है। तन्मय भट्ट और उनके दोस्तों द्वारा चलाए जा रहे यूट्यूब चैनल AIB के द्वारा 2014 में एक शो चलाया गया था जिसका नाम था AIB नॉकआउट। इस शो का मेन ऑब्जेक्टिव कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज को अपने शो पर बुलाकर उनका मजाक बनाना था। इस शो में बहुत बड़े सेलिब्रिटीज जैसे कि रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, अनिल कपूर, करण जौहर और आलिया भट्ट शामिल हुए। AIB नॉकआउट पॉपुलर अमेरिकन फेमस शो सेलिब्रिटी रोस्ट शो से इंस्पायर्ड था। तन्मय और उनकी टीम ने इस शो के दौरान काफी अपमानजनक भाषा का उपयोग किया, जिसके कारण एक शहर आधारित कार्यकर्ता संतोष दौड़कर ने AIB की पूरी टीम के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिसमें तन्मय का नाम भी शामिल था। मई 2016 में तन्मय ने स्नैपचैट पर एक वीडियो डाला जिसका टाइटल था सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर। इस वीडियो पर तन्मय ने खुद सचिन और लता की मिमिक्री करते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। ये वीडियो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं आया और इसी के चलते तन्मय भट्ट के खिलाफ एक और FIR दर्ज हो गई। एक पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिशियन ने तो तन्मय की इस हरकत को देखते हुए उन्हें मेंटली अनस्टेबल तक कह दिया था। तन्मय एक समय पर मरीन इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पैशन कॉमेडी को तराशा और कॉमेडी में ही अपना करियर बनाया। तन्मय भट्ट ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के द्वारा लिए गए एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपने ओवरवेट होने पर किए गए कमेंट्स पर अक्सर अपने ह्यूमर को सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह यूज किया करते थे। तन्मय भट्ट ने अपने कॉमेडी शोज और यूट्यूब चैनल के द्वारा काफी सफलता हासिल कर ली है। इसके अलावा हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना कमबैक गेमिंग के थ्रू करा। उन्होंने अपना गेमिंग चैनल बनाया जिस पर बड़ी ही तेजी से सब्सक्राइबर्स और व्यूज की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ वे कई दूसरे गेमिंग यूट्यूबर्स के साथ गेम्स खेलते हुए अक्सर नजर आते हैं और लोगों को उनकी स्ट्रीम पर आना भी बेहद पसंद है। हम उम्मीद करते हैं कि तन्मय भट्ट इसके बाद भी अपने करियर में सफलता की सीढ़ी में ऊपर ही चढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देश के कुछ सबसे अच्छे कॉमेडियंस में से एक तन्मय भट्ट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई टीमें मिल जाए। Hello, if you enjoyed that vlog, then make sure you hit like. So we could do something too, so people hit like. Like, share, subscribe. Woohoo! They're gonna dislike now. No. Sorry, this is not that kind of vlog, okay? Okay. Vishal Bharadwaj is watching it. Pushpa Only is releasing on...